तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब सेफ होंगे। सो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम जानेंगे कि अगर किसी से आपको बोलना है कि प्लीज आप मुझे ये दे दीजिए, यानी कि हाउ टू से प्लीज गिव मी इन कोरियन। सो उसे हम कोरियन में कैसे बोलेंगे, यानी कि अगर हमें किसी से कुछ मांगना है कि आप प्लीज हमें दे दीजिए ये चीज, तो उसे हम कैसे बोलेंगे। सो उसके लिए कोरियन में एक वर्ब होता है जिसे हम बोलते हैं जुदा जुदा जुदा। जुदा मीन्स होता है टू गिव, बट ये डिक्शनरी फॉर्म है तो इसको हम डिक्शनरी फॉर्म में न लिखते हुए हम सेंटेंसेस बनाने के लिए बोलेंगे जू प्लस सेओ, जू सेओ। एंड सेओ हम यहाँ पर येयो भी यूज कर सकते थे, बट जब भी कोई सेंटेंसेस में ज़्यादा हमें पोलाइट साउंड करना होता है तो वहाँ पर हम सेओ का यूज करेंगे, एंड वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। सो जू सेओ मीन्स प्लीज गिव मी। एंड मैंने ऑलरेडी सम ब्रांड्स के नेम कोरियन में आपको बताए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देख लेना। सो आज हम उसी ब्रांड का नेम यूज करते हुए ये सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी कि जूसेओ बोलेंगे, जूसेओ बोलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी से बोलना है गिव मी पेप्सी प्लीज, तो उसे हम कोरियन में बोलेंगे पेप्सी जूसेओ, पेप्सी जूसेओ, पेप्सी जूसेओ। और अगर हमें बोलना है गिव मी अ बर्गर प्लीज, तो उसे हम कोरियन में बोलेंगे बोगो जूसेओ, बोगो जूसेओ। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हुआ कि गिव मी स्प्राइट, तो उसे हम बोलेंगे स्प्राइट जूसेओ, स्प्राइट जूसेओ, स्प्राइट जूसेओ। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, यानी कि अगर आपको बोलना है कोई भी चीज़ कि हमें प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, तो आप उसका नाम कोरियन में एंड देन उसके बाद आप ऐड करना जूसेओ, जूसेओ, एंड आपका सेंटेंसेस बन जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो एक बार मैं स्पीड में आपको बता देती हूँ, पेप्सी जूसेओ, बोगो जूसेओ, स्प्राइट जूसेओ। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। एंड आपका कोई क्वेरीज होगा तो आप मुझे वहाँ DM के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय।